इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने केवड़िया कॉलोनी के पास स्थित सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा भगवान शंकर के परम भक्त हैं, जो पिछले 21 वर्षों से लगातार हर अमावस के दिन सुल्पानेश्वर महादेव के आशीर्वाद से धन्यता महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब से सरदार सरोवर निगम का चेयरमैन बना हूं, तब से लेकर पिछले 21 साल से हर अमावस के दिन दादा के दर्शन करने के लिए आता हूं, जिसका मुझे बड़ा ही सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। सरदार सरोवर बांध सही अर्थों में गुजरात के लिए जीवन की धुरी है। वर्ष 2018 में बारिश के अभाव से राज्य में पानी के संकट पैदा हो गया था, लेकिन गुजरात को सहन करने का अभी वक्त आया था। लेकिन इस साल पूरे गुजरात में अच्छी बारिश के रूप में महादेव की कृपा बरस रही है। पानी के अभाव के बाद आज गुजरात पानी के प्रभाव में आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नर्मदा बांध में 138 मीटर पानी भरने का निर्णय लिया है, जिस कारण नर्मदा योजना के विकास में प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात पर महादेव की कृपा बरसती रहे और पीने के और सिंचाई के जो समस्या है वह हल हो। आज विश्व में गुजराती लोग काफ़ी खुशहाल देखने को मिलते हैं, तब लगता है कि नर्मदा योजना सही अर्थों में है गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जे फल मिली रही है ये जोता अपने लगे कि असीम कृपा भगवान ने अपना सब पर थी से फरीवार हूँ भगवान ने प्रार्थना करूँ छू कि आवी ने आवी कृपा हर हमेश पीवाना पानी माटे, खेतीना पानी माटे हमेशा पूरता प्रमाण में पानी मळत रहे। मने खूब आनंद छे कारण के मैं आ सुल्पानेश्वर मंदिर ने डेम में जोया छे, दर्शन कर्या छे। अने ए वक्ते बधाने लाग्यू समाज ने सरकार ने कि डेम नी ऊंचाई वधशे, पाणी आवशे अने पछी आ मंदिर એ હંમેશ માટે પાણીમાં રહેશે। તો જે તે વખતે ધાર્મિક વિધિથી પુનઃસ્થાપિત પ્રતિષ્ઠા કરીને દાદાને એ ડેમમાંથી અહીંયા આપણે પ્રસ્થાપિત કર્યા, એ જ વખતનું આપણું સ્વપ્ન હતું। અને જ્યારે જ્યારે નર્મદા નામ બોલાય ત્યારે એની સાથે જીવા દોરી એ શબ્દ જોડાઈ ગયેલો છે। અને 134 મીટર માટે મારા માટે એકલા માટે નથી, માત્ર ગુજરાતના લોકો માટે નથી, પરંતુ વિશ્વમાં વસતા ગુજરાતીઓ આજે હર્ષ ગેલા થયા છે। સૌના માટે એક આનંદનો વિષય છે, આપણે સૌ ભગવાનનો આભાર માનીએ છીએ।